अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, यानी कि मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जो है उसका आदान प्रदान होता है, इसके बारे में एक क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़ों की वायु कुपिकाओं से ऑक्सीजन विसरण द्वारा रक्त केशिकाओं में पहुँचकर रक्त के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। अस्थायी ऑक्सीहीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुँचकर ऑक्सीजन मुक्त कर देती है। तो ऑक्सीजन का परिवहन क्या होगा, जो फेफड़ों में छोटी छोटी वायु कोशिकाएँ होती हैं उनमें पहुंचती है ऑक्सीजन, तो उनमें पहुंच करके वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है जो वर्णक होता है आरबीसी में, और क्या बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होगी वो प्रत्येक कोशिका में पहुँच करके ऑक्सीजन को मुक्त कर देगी। जैसे HB4 लिखा है मैंने, तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला हो गया, ऑक्सीजन है इसमें, ऑक्सीजन के चार अणु हैं, 4O2 लिखा है इसलिए, ठीक है, क्या HbO2 का होल टेट्रा बोलेंगे इसको, ठीक है, ये 4 है। तो इस तरह से ये अस्थायी अणु होता है जो कोशिकाओं में जाकर के क्या होगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाके अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ठीक है, मनुष्य में। अब हम देखेंगे कि CO2 का परिवहन कैसे होता है, तो ऑक्सीजन का पढ़ा हमने, अब CO2 का, उत्कों से CO2 का परिवहन, ठीक। तो कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप उत्पन्न, यानी कि जो कोशिका में श्वसन होगा उसके फलस्वरूप उत्पन्न CO2 उत्तक कोशिकाओं से विसरित होकर उत्तकीय द्रव में पहुंचकर रक्त केशिकाओं में विसरित होती है। रुधिर CO2 को निम्नलिखित रूप में फेफड़ों तक पहुंचाता है, तो तीन रूपों में पहुंचाता है, यानी कि जो कोशिकीय श्वसन होता है उसके फलस्वरूप जो CO2 बनेगी कोशिका के अंदर वो विसरित होकर कहाँ जाती है, एक उत्तकीय द्रव में पहुंचती है, और उसके बाद जो रक्त केशिकाएँ जो पाई जाती हैं उत्तकों में वहाँ से जो है कहाँ लाई जाती हैं, वो CO2 युक्त जो रक्त होता है फेफड़ों तक लाई जाती हैं, ठीक है, उस CO2 युक्त रुधिर को कहाँ लाती हैं, फेफड़ों तक लाती हैं। उसके पश्चात तीन स्टेप में जो है CO2 का परिवहन होता है। पहला होता है कार्बोनिक अम्ल के रूप में, ठीक है, तो लगभग 5 से 10% CO2 रक्त प्लाज्मा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है, ठीक, ध्यान समझेंगे, लगभग 5 से 10% CO2 रक्त प्लाज्मा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। तो इस तरह से CO2 कार्बोनिक अम्ल बनता है। फिर सेकंड आया बाइकार्बोनेट्स के रूप में, लगभग 80 से 85%, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है इसलिए तो मैं बोल दे रहा हूँ, 80 से 85% CO2 लाल रुधिर कणिकाओं तथा प्लाज्मा में सोडियम तथा पोटेशियम से क्रिया करके सोडियम या तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स बनाती है। इस तरह भी जो है CO2 का परिवहन होता है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, लगभग 10% CO2 लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है। तो ये तीन स्टेप में जो है CO2 इस तरह से जो है विभिन्न रूप अपने बनाती है, श्वसन स्तर पर उपस्थित यौगिक CO2 को मुक्त कर देते हैं। तो इन तीन रूपों, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनिक अम्ल, ये तीन जो चीज़ें हैं अलग प्रोसेस पे, तो ये जो यौगिक होते हैं ये श्वसन सतह पर, श्वसन सतह कहाँ, फेफड़े हैं, तो वहाँ पर जाकर CO2 को ये मुक्त कर देते हैं, और मुक्त CO2 विसरण द्वारा कुपिकाओं की वायु में पहुंचकर निष्कासित हो जाती हैं, जो फेफड़ों में उपस्थित सबसे छोटी चीज़ें हैं कुपिकाएँ उनमें जा करके फिर वहाँ से बाहर को निष्कासित हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है, उसको ध्यान समझेंगे। श्वास नाल वक्षगुहा में पहुंचकर दाएं बाएं दो शाखाओं में बढ़ जाती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिगर पे, ये श्वास नाल है, ये जो है दो भागों में बढ़ती है, इधर गई है और एक इधर गई है इस तरह से, ठीक है, इन्हें श्वसनियाँ कहते हैं। तो दोनों जो दो वहाँ बढ़ गए उनको क्या कहा जाएगा, श्वसनियाँ कहा जाएगा। फेफड़ों में पहुंचकर प्रत्येक श्वसनी बार बार विभाजित और पुनः विभाजित होकर श्वसनिकाओं में बढ़ती है। तो ये जो श्वसनी है ये छोटी छोटी अनेक जो है उसमें बढ़ रही हैं, आपको दिख रहा होगा फिगर पे ये अलग उसमें, तो ये श्वसनिकाएँ कहलाती हैं। तो कई श्वसनिकाओं में बढ़ जाता है, इसके बाद जो श्वसनियाँ होती हैं, प्रत्येक कुपिका नलिका 2-3 छोटी छोटी थैलीनुमा कुपिकाओं में खुलती है,
हमारे प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ कोशिकाएं या वायु कोष्ठक होते हैं। तो छोटी छोटी जो है आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे फिगर पे, ये एक अंदर छोटे छोटे वो दिख रहे हैं आपको फिगर में दिखाया, तो ये क्या है आपकी कोशिकाएं हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो लगभग ये जो इन कोशिकाओं में जो है ये जो श्वसनिकाएं हैं ये खुलती हैं, और हमारे प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ कोशिकाएं या वायु कोष्ठक होते हैं। दोनों फेफड़ों का सतह धरातल जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है लगभग 50 से 100 वर्ग मीटर का होता है, काफ़ी अधिक हुआ मतलब ये 50 से 100 वर्ग मीटर का होता है। इस प्रकार हमारे फेफड़े गैसों के अधिकतम आदान प्रदान के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब इतना बड़ा वर्ग क्षेत्रफल उनको मिलता है और 15 करोड़ कोशिकाएं या वायु कोष्ठक होते हैं, तो अधिक से अधिक जो है गैसों का आदान प्रदान हो जाता है।